अब 14.5% यादव का 14.2 है और कई यादवों ने हमको कहा कि हम लोग 20% से 14% दिखाया है। जब एनडीए के साथ थे नीतीश कुमार तभी ये कैबिनेट से अप्रूवल हुआ था, सर्वदलीय सारे दलों ने समर्थन किया था, इसलिए हम लोग उसके साथ हैं, उसके खिलाफ होने का कोई सवाल नहीं उठता है। और चाहे मंडल कमीशन लागू हुआ हो, उस दिन भी विश्वनाथ प्रताप के सरकार में हमारी सरकार के समर्थन थी तभी लागू हुआ है। जो जातीय जनगणना हुआ है नीतीश कुमार हमारे साथ थे, हमारे समर्थन से चला रहे थे सरकार, तभी हुआ है, इसलिए उसमें खिलाफ करने का हम तो काहे पहले नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार थी उनकी माता जी का पिताजी का, तो काहे नहीं करवा लिए थे, करवा लेना चाहिए था। वो वाहवाही लूटने से बिहार की जनता सब समझती है और ये इनको बिहार की जनता गरीबों और गांवों से मतलब नहीं, इनको परिवारों से मतलब। सरकार की एजेंसी करेगी तो हमारे मानने से क्या हो जाएगा, हम दीवार पर मौत लिखा है और हम आंख मूंद ले तो उससे उम्मीद खोड़ जाता है। लेकिन अगर किसी के साथ किसी के आंकड़े कम और बेस हैं तो वो पूरा आर्थिक दस्तावेज आ जाएगा, पूरा एक एक घरों का उसमें डिटेल्स है, एक एक शहरों का डिटेल्स है, एक एक गांव का डिटेल्स है, उस डिटेल्स को बगैर देखे हुए कोई बात कहना मेरे जैसे लोगों के लिए उचित नहीं है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से कल आंकड़ा जारी हुआ उसके बाद कई सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी MLC नवल किशोर यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नवल जी, क्या स्टैंड रहेगा आपका जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार के द्वारा आंकड़ा जारी हुआ है? इसमें स्टैंड क्या रहेगा, हमारी पार्टी ने उसका समर्थन किया है जी, हम उसके खिलाफ नहीं है। हमारी ही एनडीए के सरकार में ही, जब एनडीए के साथ थे नीतीश कुमार तभी ये कैबिनेट से अप्रूवल हुआ था, सर्वदलीय सारे दलों ने समर्थन किया था, इसलिए हम लोग उसके साथ हैं, उसके खिलाफ होने का कोई सवाल नहीं उठता है। और जब तब कभी भी इस देश में और इस राज्य में गरीबों के हक हुकूक की बात हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सहभागिता रही है, तभी हुआ है। चाहे वो कर्पूरी जी 27% रिजर्वेशन लागू किए थे, उस समय भी हमारे समर्थन से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये सरकार चल रही थी। और चाहे मंडल कमीशन लागू हुआ हो, उस दिन भी विश्वनाथ प्रताप के सरकार में हमारी सरकार के समर्थन थी तभी लागू हुआ है। जब 77 में मंडल कमीशन बने थे तब भी हमारे ही समर्थन से मुरारजी भाई की सरकार बनी थी। और यह भी जो जातीय जनगणना हुआ है, नीतीश कुमार हमारे साथ थे, हमारे समर्थन से चला रहे थे सरकार, तभी हुआ है, इसलिए इसमें खिलाफ करने की कहाँ बात है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम ही लोगों के द्वारा जो है जातीय जनगणना करवाया गया है, तो काहे पहले नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार थी उनकी माता जी का पिताजी का, तो काहे ना करवा लिए थे, करवा लेना चाहिए था। झूठ का वाहवाही लूट रहे हैं, वो वाहवाही लूटने से बिहार की जनता सब समझती है और ये इनको बिहार की जनता गरीबों और गांवों से मतलब नहीं, इनको परिवारों से मतलब। बीजेपी के कुछ नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर। कुछ नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से जो सर्वे हुआ है, जो आंकड़ा जारी हुआ है, उसमें कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जिनका आंकड़ा गलत जारी किया गया है। अब ये तो रिपोर्ट, जब पूरी तरह से रिपोर्ट आ जाए जी तब यह कहा जा सकता है। कहने के लिए तो कई लोगों ने हमको भी कहा, अब 14.5% यादव का 14.2 है और कई यादवों ने हमको कहा कि हम लोग 20% से 14% दिखाया है, तो ये तो बात कहने से नहीं चलेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा। और पूरा जब आर्थिक दस्तावेज के साथ उसका रिपोर्ट आ जाए, उसको देखें और तब इस पर कोई बात करें। अभी तो एक पार्ट आया है, आधा अधूरा है, पूरा आप नहीं मानते हैं सभी आंकड़ा को जो अभी जारी किया गया है? नहीं, जब सरकार की एजेंसी करेगी तो हमारे मानने से क्या हो जाएगा, हम दीवार पर मौत लिखा है और हम आंख मूंद ले तो उससे उम्मीद थोड़े जाता है। लेकिन अगर किसी के साथ किसी के आंकड़े कम और बेस हैं तो वह पूरा आर्थिक दस्तावेज आ जाएगा, पूरा एक एक घरों का उसमें डिटेल्स है, एक एक शहरों का डिटेल्स है, एक एक गांव का डिटेल्स है, उस डिटेल्स को बगैर देखे हुए कोई बात कहना मेरे जैसे लोगों के लिए उचित नहीं है। जब आएगा तब इस पर जरूर सवाल उठने लायक होगा तो उठाएंगे। बिल्कुल, जब आंकड़ा आएगा पूरे तरीके से सरकार के एजेंसी के द्वारा तब उस पर सवाल उठेगा तो हम सवाल उठाएंगे, अगर गलत रहेगा तो वहीं सही रहेगा तो समर्थन करेंगे। क्या कुछ कहते हैं जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी MLC लवल किशोर यादव, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।